नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 90.4 CMS कम्युनिटी रेडियो पर। और कार्यक्रम शुरू हो चुका है आपका अपना सजीव फोन इन सेहत की बात डॉक्टर के साथ। भाई देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें पता है कई घरों में गुजिया भी बना रहे हैं लोग, और कई तरीके के दूसरे पकवान भी आज बना रहे होंगे लोग। लेकिन साथ ही साथ होली जिस तरीके से अपने साथ खुशियों की सौगात लेकर आती है, वहीं अपने साथ बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भी लेकर आती हैं। तो अगर समस्याएं हैं तो उसका निवारण भी है। निवारण कौन? निवारण है आपके अपने चहेते डॉक्टर, डॉक्टर उमंग खन्ना जी। जी हाँ, हमारे साथ वो पूरे एक घंटे इस होली के विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ में रहेंगे। पहले तो आप नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 411-3351-411-3351। इस नंबर को अगर आप मोबाइल से मिलाएंगे तो सबसे पहले लखनऊ का कोड मिलाइएगा 0522, या फिर आप मोबाइल जो हमारा लैंडलाइन है वहाँ पर भी आप तुरंत अपने लैंडलाइन से फ़ोन कर सकते हैं। फिर से नंबर बता दें, 0522-411-3351। इस नंबर को मिलाइए और डॉक्टर उमंग खन्ना जी से तुरंत बात कीजिए। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। होली के दिन इतना ज़्यादा सब चारों तरफ लोग बिजी होते हैं, लेकिन आपने हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला CMS कम्युनिटी रेडियो पर जो आप आए, उसके लिए सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको धन्यवाद देंगे, धन्यवाद इस बात का देंगे कि आपका सार्थक कार्यक्रम है, एक सार्थक कार्यक्रम जो जनता को लाभ पहुँचा रहा है, सीधे तौर पर उन्हें फ़ायदा पहुँचा रहा है। आपने इस तरह का एक प्रयास किया है, इसके लिए सिटी मॉन्टेसरी स्कूल CMS, आपके जो लीडरशिप है श्री आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी, और आपकी जो टीम है हमारे सिंह साहब और सोमा मैम, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे तमाम दर्शकों को होली की अनंत शुभकामनाएं। श्रोतागण है वो हमें सबसे पहले फोन करके हमें बता रहे थे कि हम डॉक्टर उमंग खन्ना जी को बुला ले, तो भाई उनकी जो एक तरीके से फरमाइश थी वो फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं आपको इस कार्यक्रम में ला करके। तो श्रोतागण देखिए, आपकी फरमाइश तो हो रही है पूरी। तो नंबर है फिर से बता दें, 411-3351, आप फ़ोन करके हमारे साथ बात कर सकते हैं, डॉक्टर उमंग खन्ना जी से तुरंत आप बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो सबसे पहले इस वक्त कोविड को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता जताई जा रही है, प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा जो नियम कानून है वो सख्त कर दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले तो उसके संबंध में अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे आपसे। लेकिन श्रोता अगर एक जोड़ रहे हैं तो क्या उनसे पहले बात कर लें? हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। सतीश गुप्ता बोल रहे हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका, पहले तो होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ आपको भी सोमा जी जी, और हमारे साथ डॉक्टर उमंग खन्ना जी हैं। आप जी, पहले भी इनसे बात कर चुके हैं जी, हमको थोड़ा सा पूछना था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताएं सतीश जी, बताएं जी। हाँ नमस्कार, नमस्कार भाई साहब, बताइए। एंड वेरी वेरी हैप्पी होली। आपको भी सतीश भाई, आपको भी, बताइए जी। हम ये कह रहे हैं सर कि जैसे हम सिंगर हैं सर, तो हमारे पहले एक बार गले में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो गले में जो वोकल कॉर्ड के पास एक गांठ आ गई थी, तो ऑपरेट करके निकाल दी गई। फिर उसके बाद कुछ दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही। तो अब जैसे कि अगर थोड़ा ज्यादा देर अगर हम चाहते हैं कि गाना जी, तो थोड़ा सा दर्द होने लगता है, या ज्यादा रेंज तक आवाज ले जाना चाहते हैं तो तकलीफ होने लगती है। मैं समझ गया आपकी बात सतीश जी, इसके लिए आप पहले तो कापी पेन लेके दवा नोट कर लें, बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा है फॉर सिंगर, या फिर आप मोबाइल पे ही रिकॉर्ड कर लें। और दवा जो है यह आपके हमेशा काम आएगी। कभी कभी हमारे पास पेशेंट आते हैं कि उनका गला बैठा है, उनको 15 मिनट बाद जागरण में गाना है, जहाँ पे तेज चिल्ला के माइक पे बोलना पड़ता है, या किसी कॉन्सर्ट में जाना है। सर उस तरह का गाना बजाना तो मेरा नहीं रहता है,
थोड़ा मेलोडियस टाइप का रहता है। हाँ, वॉइस वॉइस तो आपकी अच्छी आनी चाहिए, तो उसकी दवा है साथ ही आपके लिए, जो आपके नोड्यूल था पहले जिसका सर्जरी हुई है उसके बाद जो दिक्कत, आर्जेंटम मिटेलिकम। क्या नाम है? आर्जेंटम मिटेलिकम, ARGENTUM, आर्जेंटम METALLICUM, मिटेलिकम। एक बार स्पेलिंग बता दीजिए। हाँ, फिर से मैं आप आर्जेंटम मिटेलिकम अपने हिसाब से रख लीजिए, आपको वो शॉपकीपर दे देगा। इसको 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार एक हफ्ते तक ले लें, आपके गले की क्वालिटी डबल अच्छी हो जाएगी। जितना सारी आर्जेंटम, क्या आपने नाम भाई है? थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि केवल आप ही एक नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सुने, आर्जेंटम मिटेलिकम। आर्जेंटम मेटालिकम, हाँ, ये 30 पावर में सतीश भाई दो दो बूंद दिन में 3 बार आप ले लीजिए, आपकी गले की समस्या सही हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे जब आपको जरूरत ना हो तब मत बोलिए, एक तो तेज मत बोलिए, बहुत चिल्ला के ना बोलिए किसी को, जो शोर से आवाज। हमारा काम सिंगिंग का है तो नहीं, सिंगिंग का मैं आपसे बोला अनावश्यक रूप से, कभी कभी होता है कहीं पे बिना बोले भी काम चल सकता है। नहीं, वो तो है, हम हमें बस उतना ही बोलने की जरूरत रहती जितनी मतलब आवश्यकता है, लेकिन सिंगिंग तो आप बात तो समझ गए, बाकी आपको मैंने विकल्प बता दिया, दवा आपके सामने है और इससे बेहतर क्या होगा। जी, बिल्कुल, आप देखिएगा बिल्कुल अच्छे से आपकी। और एक चीज सतीश जी, गुनगुना पानी पीना आप शुरू करिए, इससे आपके थ्रोट की थोड़ी सिकाई होगी। और मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा गुनगुना ही पानी पीता हूँ, उसमें थोड़ा सा काली मिर्च, दिन में खाना खाने के बाद भी गुनगुना ही पानी पीता हूँ, खाना खाने के 40 मिनट बाद सतीश भाई। अच्छा, हाँ, ये मैं सारे दर्शकों को सारे श्रोताओं को बता दूं सूचना के लिए मैम आपके माध्यम से, बिल्कुल, बिल्कुल। कि अगर आपको अपना डाइजेशन सही रखना है और बॉडी को सही रखना है तो खाना खाने के 40 मिनट बाद या पहले पानी पी लीजिए, इस बीच में ना पीजिए, क्योंकि आपका जो 2 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट में सिक्रीट होता है स्टमक में डाइजेशन के लिए, वो डाइल्यूट हो जाता है पानी पीने से। अब किसी चीज़ को आप डाइल्यूट कर दोगे तो फिर आनंद नहीं, अनुभूति नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो खाना खाने के 40 मिनट बाद पहले पानी पीजिए, और आपके लिए हिदायत कि थोड़ा सा काली मिर्च का एक चुटकी भर पाउडर उस पानी में डाल लीजिए, और हल्का सा शहद डाल लीजिए। शहद, अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा डायबिटिक भी हूँ। आप डायबिटिक हैं तो आप रहन दें, आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी, ठीक। और एक बार फिर से आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, आपकी जो समस्या है, जो डॉक्टर रोमन खन्ना ने जो दवाई बताई है उससे उसे लेकर के आप एक हफ्ते में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, 411-3351 ये नंबर मिला करके। 50 मिनट का समय रह गया है, 50 मिनट के समय में आप बात कर सकते हैं डॉक्टर उमंग खन्ना जी से, होली की सौगात के साथ डॉक्टर उमंग खन्ना जी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, कोरोना की बात हो रही थी तो हम चाहेंगे कि एक बार आप हमारे श्रोताओं को CMS कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से जागरूक कर दें। हाँ श्रोताओं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि COVID-19 दोबारा हम लोग के घर की चौखट पर खड़ा है। मैं आपको अपनी कॉलोनी में बताऊं, मेरी कल दो हमारे कॉलोनी में 2 लोगों की जो है ब्रह्मलीन हुए हैं, 2 लोगों की डेथ हुई है। अच्छा, कोरोना से, COVID-19 से। ओहो, तो ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया है, और यह डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बहुत घातक है, और कहीं कहीं पे वैक्सीन भी कारगर नहीं हो पा रहा है जी। तो हमको जो है यह कोवाशील्ड जो वैक्सीन है, क्योंकि अभी आप देखिए SGPGI के डायरेक्टर, उनकी वाइफ को कोरोना हो गया जबकि वो वैक्सीन लिए थे। इसका ये मतलब नहीं कि आप वैक्सीन ना लीजिए, क्योंकि कोई हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है, कोई भी दवा मेडिकल साइंस में। मैं यहाँ पे ये भी एक अभ्रांति फैल रही है लोगों और सोशल मीडिया से कि वैक्सीन काम नहीं कर रही, वैक्सीन पूरा काम कर रही है। 1 लाख में अगर 1 आदमी को कोई दिक्कत हुई है तो उतनी पॉसिबिलिटी संसार में हर किसी के सामने है। जी जी, कोई भी इलाज, कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी दवा 100% सक्सेसफुल नहीं होती है जी। तो मैं CMS कम्युनिटी रेडियो के FM के माध्यम से अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि कोवाशील्ड जल्दी से जल्दी लगाएं। सरकार सबके लिए 1 तारीख से उसको ओपन कर रही है, आप उसको लगवाएं और उसका लाभ लें। लेकिन
जो बात आती बचाव की, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमको प्रिवेंशन रखना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि लखनऊ के लोग उतने जागरूक नहीं हुए, लखनऊ में सभाएं भी चल रही है, शादियां भी चल रही है, राजनीति की सभाएं भी चल रही है, मतलब सब कुछ चल रहा है जो और चल ये सकता है। होली के लिए भी बहुत उत्सव और होली के उत्सव मन रहे हैं और जगह जगह पार्टियां चल रही है, लोग प्री होली पार्टी कर रहे हैं। ये तो मतलब एक ऐसा पूल पार्टी, एक ऐसा जो है सांस्कृतिक, एक सांस्कृतिक जो है अंतर्द्वंद पैदा हो गया है इस देश में, और अपना लखनऊ भी उससे अछूता नहीं है कि वो चीजें कर रहे हैं जो इस समय कतई आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। और बच्चों को इस समय घर से ना निकालें। मैं आपके माध्यम से अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा, बच्चों को होली के सेलिब्रेशन में ना इन्वॉल्व करें, क्योंकि COVID-19 अभी भी मान लीजिए इसका कोई इलाज नहीं है। और जो लोग कह रहे थे कि COVID-19 कुछ है नहीं, मैं उनके लिए भी थोड़ी नाराजगी व्यक्त करना चाहूंगा। जिस कारण से इस संसार में दसियों लाख लोगों की मौतें हो गई हो, जिस कारण से पूरे दुनिया की इकॉनमी ठप हो गई हो, अभी भी कुछ लोग ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि COVID-19 कुछ है भी। बिल्कुल। तो और जिन लोगों ने, साथियों ने काढ़ा पीना छोड़ दिया है, जो लोग अब अलर्ट नहीं है, पहले बहुत लोग काढ़ा पीने लगे थे, तो मैं चाहता हूं आप पुनः उस लाइन पे आए, सुबह काढ़ा पिए, हल्दी दूध, हल्दी शहद, हल्दी काली मिर्च, हल्दी अदरक दूध, इस तरह के काढ़े बना के अवश्य पिए। एक कॉलर जुड़ रहे हमारे साथ। हेलो 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 जी, नमस्कार। सुप्रभात। सुप्रभात महेंद्र जी, और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी फरमाइश हमने देखी, पूरी की है। जी ये तो अच्छी बात है। और फिर अपने चाहते फेवरेट सबके डॉक्टर साहब आए हुए हैं, तो उन्हें भी होली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। महेंद्र भाई आपकी जय हो, बताएं कैसे। जी हम तो बढ़िया हैं, और हम तो सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे कुछ राय लेना चाहेंगे। बताएं महेंद्र भाई, बताएं। जी जैसे कि मैंने होम्योपैथिक के डॉक्टर नी साहिबा आई हुई थी CMS वीडियो पे ही जी, तो उन्होंने बालों के लिए दो दवाएं बताई थी, तो उनको लाने से पहले आपकी राय लेना चाहते हैं। जी उन्होंने दवाएं बताई थी, एक ऑयल बताया था जबरंडी ऑयल, और बताई थी मदर टिंचर। ये दवाइयां होम्योपैथिक में मिलेंगी कि नहीं, ये आप बता दें हमको। ना महेंद्र भाई देखिए, ये आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी का जो प्रयास है, सार्थक प्रयास है, ये हमेशा लाभदायक होता है। तो जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है वो कारगर है, डॉक्टर साहब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उसमें आपको दो दवाएं जोड़ना चाहूंगा बस। जबरंडी बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, और आपको मैं कहना चाहूंगा हेयर फॉल के लिए सबसे उत्तम दवा मेरे हिसाब से फास्फोरस है। फास्फोरस हफ्ते में, हाँ फास्फोरस, आज आप गूगल करिएगा और ये देखिएगा, हफ्ते में एक खुराक केवल आप ले लीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक महीने के अंदर आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। इसके अलावा दो दवाएं और हैं, हाँ फास्फोरस वाले हफ्ते में एक बार, और एसिड फास्फोरिकम, एसिड फॉस और लाइकोपोडियम 30, एसिड फॉस 30 और लाइकोपोडियम 30, यह दो दवाएं आप दिन में तीन बार सेवन कर लीजिए। एक महीने के अंदर आपका हेयर फॉल 80% कम हो जाएगा। और साथ में हरी धनिया की पत्ती का पानी, रात में आप हरी धनिया की पत्ती को बॉइल कर लीजिए एक भगोने में, और उस पानी से सुबह बालों को धो लीजिए। और साथ में आंवला, आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है महेंद्र भाई, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, लेकिन आंवला विटामिन ई का भी रिचेस्ट सोर्स है, ये ना ये आपको नहीं मालूम होगा, हमको भी अभी मालूम पड़ा है। तो आप जो है आंवले को कूच लीजिए और उसको बालों में क्रश करके लगा लीजिए, आप देखेंगे एक महीने में आप ठीक हो गए, आप संतुष्ट हो गए। जी जी, और हम आपसे दूसरी राय ये लेना चाहेंगे, जो आपने पिछली बार दवाएं बताई थी, किस चीज की? देखो जहाँ तक याद है आपने बताया था कल्केरिया फास्ट और बेलेडोना, ये आपने किस चीज की दवाएं बताई थी आपने? बेलेडोना, देखिए कल्केरिया फास्ट तो हड्डियों की मजबूती और कैल्शियम की शरीर में कमी करने का सबसे अच्छा स्रोत है होम्योपैथी में, और बेलेडोना सूजन और दर्द और रात में जो दिक्कतें बढ़ती हैं सोने के बाद या सोने के दौरान, उसकी बहुत अच्छी दवा है। तो इन्फ्लेमेशन और रेस्टॉक आपने बताई थी, वो कौन सी? रेस्टॉक। हाँ रेस्टॉक महेंद्र भाई, चलने से जब तकलीफें में आराम मिलता है,
जब चलने से तकलीफ में आराम मिलता है तो उसकी दवा है रश्टॉक्स, और जब चलने से तकलीफें बढ़ती हैं जोड़ों में तो उसकी दवा है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा, हाँ भाई, दो ही सूरतें होंगी, या तो आप चल रहे हैं तो आपकी तकलीफ बढ़ेगी, या तो आपकी तकलीफ कम होगी। तो अगर चलने से तकलीफ कम हो रही है तो वो दवा है जो आपने नाम लिया है रश्टॉक्स, और अगर चलने से आपके जोड़ों में तकलीफ बढ़ रही है तो दवा है ब्राइनिया एल्बा। ब्राइनिया एल्बा जी, ब्राइनिया एल्बा जी, अब आपको याद रहेगी। तो डॉक्टर साहब की बात को मैंने माना है, इसीलिए हमने डॉक्टर साहब से ही सलाह ली है कि इन्हीं की बताई हुई दवाएं हैं। और एक और चीज हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप निसारगंज में किस स्थान पर बैठते हैं, अगर आपसे मिलना चाहें, संपर्क करना चाहें। हम महेंद्र भाई नादान महल रोड नखास में बैठते हैं, पुराना लखनऊ है ये, नखास में नादान महल रोड है, वहाँ पे किसी से डॉक्टर उमंग खन्ना आप पूछेंगे तो आप पहुँच जाएंगे, प्रकाश सिनेमा हॉल के पास। प्रकाश सिनेमा हॉल के पास, हाँ, नखास तिराहा कहते हैं उसको, वहाँ कहीं भी पहुँचेंगे भगवान की कृपा से। और माननीय जगदीश गांधी जी के मंच पे जो मुझको एक्सपोजर मिलता है उसके कारण आप कहीं भी पूछेंगे तो आप पहुँच जाएंगे। और महेंद्र जी एक बार फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, थैंक यू कॉल करने के लिए आपको जी, और हमारे पुणे से डॉक्टर साहब को, हमारे आदरणीय जगदीश डॉक्टर जगदीश गांधी जी को जी, और हमारी भारती मैम को भी जी, और हमारी वनिता मैम को जी, और पूरी टीम को, और ज्ञानमती जी को, तुलसा दीदी को जी, और मालती जी को, और जितने लोग सुन रहे हैं हमारे फौजी भाइयों को भी, और बहुत और, और, और यह स्टूडियो के जो गरिमामयी प्रोग्राम आदरणीय श्री आर के सिंह जी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, तो हमारे राज सर को भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, प्रोग्राम जरूर सुन रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, वो हमारे साथ ही है सिंह सर। अरे तो उनकी भी आवाज सुनाई दीजिए दीदी। नहीं, वो सुन रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू भाई। बाकी श्रोता भी हमारे साथ फटाफट जुड़े, 411-3351 नंबर मिलाए, सिर्फ 45 मिनट का समय शेष है, जल्द से जल्द होली की सौगात में जो स्वास्थ्य भरी जो सौगात भी हो सकती है आपके लिए, अगर आप डॉक्टर उमंग खन्ना जी की बातों को मानेंगे, होली की एक एक बात पर अगर अमल करेंगे डॉक्टर उमंग खन्ना जी की बताई हुई बातों पर, तो ये स्वास्थ्य का सौगात लिए होगा ये त्यौहार। आपको एक बार फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप नंबर मिलाइए 411-3351। डॉक्टर उमंग खन्ना जी है हमारे साथ, होली के संबंध में भी बहुत सारी बातें अभी बस शुरू ही करने जा रहे हैं। तो ये बताइए, होली में जो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है वो स्किन को लेकर होती है, आँख को लेकर होती है, डाइजेशन को लेकर के होती है, आपके पास जो ज़्यादातर समस्याएं लेकर आते हैं जितने भी पेशेंट्स, वो क्या समस्याएं चल रही हैं? स्किन, निश्चित रूप से स्किन, स्किन, तो वो जो कलर्स होते हैं रासायनिक, उनकी वजह से होता है, उनकी वजह से होता है, और हम लोग उस पर कुछ सावधानियां नहीं रखना चाहते, रख पाते हैं जी। हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट अपने श्रोताओं को बताएंगे। देखिए, होली तो खेलनी ही है जी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ इस बार की होली पिछली होलियों से भिन्न है। इस बार कोरोना रूपी राक्षस हम लोगों को घेरे हुआ है, और हमको उस मर्ज से बचना है जिसका इलाज नहीं है, और हमको उस मर्ज से बचना है जिसका स्पाइक प्रोटीन हम लोगों को इन्फेक्ट करने के लिए ढूंढ रहा है। बिल्कुल, और वो किसमें पड़ा है किसी को नहीं पता, नहीं पता है। बिल्कुल, तो पहली बात मैं फिर से कहूंगा, बच्चों को घर के बाहर इस होली में ना निकाले, ना उसको किसी से मिलाने ले जाए, ना उसको किसी को जो है उसके साथ ले जाए। बिल्कुल। दूसरी बात साथियों, अब दो विषय आते हैं, होली से पहले आप क्या सावधानी करें जो रंग वाले दिन आप ठीक रहें, और होली के बाद आप क्या सावधानी करें जो आपकी स्किन बेहतर रहे। तो पहले आते हैं होली से पहले, क्योंकि कल आप रंग खेलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें साथियों सबसे एक कॉलर जुड़े, हाँ, क्या बात कर लूं मैं उनसे? हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम अनुभूति है। अनुभूति जी, स्वागत है आपका, होली की शुभकामनाएं जी, अपना प्रश्न कीजिए। आपको भी होली की शुभकामनाएं जी। हाँ हाँ, मेरा एक प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुआ है कि एक नमनेस मैं दो दिन से फील कर रही हूँ, हाथ और पैरों में। ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर? अच्छा, मतलब ठीक है, ब्लड शुगर तो नहीं है? मैंने कभी कुछ चेक वेक नहीं कराया। मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लड शुगर तो नहीं है मैम? हेलो अनुभूति जी, ब्लड शुगर है क्या? नहीं, मैंने कुछ
कुछ भी चेक नहीं। ठीक है मैम, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, नमनेस के लिए आप ध्यान से नोट करें। पहला विषय आता है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स आपका एक कारण हो सकता है, तो वेरिकोज वेन्स के लिए दो प्रीमियम दवाएं जो होम्योपैथी में आती हैं, पहली दवाई मिलीफोलियम 30, हाँ मिलीफोलियम 30, और दूसरी दवाई हेमेमिलिस 30। हाँ हेमेमिलिस वर्जिनिका पूरा नाम है, हेमेमिल जी। हेलो, हाँ जी, आप इसमें रिकॉर्ड कर सकती हैं क्या? हाँ ठीक है, ओके आप बोलिए। हाँ इसका फिर मैं आप रिकॉर्ड करें तो मैं पूरा ट्रीटमेंट ही बता दे रहा हूँ आपको। महीने हफ्ते में एक दिन लेनी है लैकेसिस 1 mg की एक खुराक, लैकेसिस 1 mg की एक खुराक लेनी है, और बाकी जो 6 दिन हफ्ते के बचते हैं उसमें दिन में 3 बार हेमेमिलिस 30, मिलीफोलियम 30, वाइपेरा 30, दो दो बूंद दिन में 3 बार आपको ले लेनी है। एक महीने आप लीजिए और उसके बाद आप देखेंगे आपके पैरों की नमनेस, भारीपन खत्म हो गया और आपका वेरिकोज वेंस भी सही होने लगा, और इसका जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन वेरिकोज अल्सर होता है उससे आप बच जाएंगे। इसके अलावा सावधानियां आपको बता दूं, पहला आप पैर नीचे रख के ना बैठिए, कोशिश करिए एक चौकी लगा के पैर को हॉरिजॉन्टल रख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर रख लीजिए। रात में सोइए तो एक पतला तकिया अपने फुट के नीचे, एक पतला तकिया लगा लीजिए। तीसरी बात, मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाइए। चौथी बात, बहुत टाइट कपड़े ना पहनिए, लूज कपड़े आप पहनिए क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपको बेहतर रखना है जी। और मसाज करिए पैर की, मालिश करवा लीजिए किसी से नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं, नीचे से ऊपर फुट से लेके, तो जो ब्लड फ्लो है वो मैम बढ़ेगा, और जो पैर का फुट होता है उसको यूँ ऊपर नीचे, मतलब 80-90 डिग्री, जितना आप 80-70 डिग्रीज रोटेट कर पाएं उसको ऊपर नीचे करें, अप डाउन पंजों को अप डाउन, आप इतनी चीजें करेंगे आपको वेरिकोज वेंस में निश्चित रूप से लाभ होगा। अनुभूति जी, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल आपका पैर का प्रॉब्लम है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए अनुभूति जी, हैप्पी होली वंस अगेन, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो, हेलो, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए। जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू मैम, मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान से बात कर रहे हैं आप? जी जी, टोंक डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, राजस्थान से। टोंक डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहे हैं? और सर मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं इनका यूट्यूब पे इनका बहुत सारी वीडियो देखता हूँ। भाई धन्यवाद, धन्यवाद आपको, होली की अनंत शुभकामनाएं। सर मैं आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। धन्यवाद भाई, धन्यवाद, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपके सारी वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं, सारी डिजीज पे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हो आप। धन्यवाद भाई, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपसे बात हो गई, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और हमें भी बहुत खुशी मिल रही है कि आपने राजस्थान के टोंक जिले से फोन मिलाया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलखुश गुजर है मैम। दिलखुश जी, जी जी जी, और अभी अभी जी मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ मैम। अच्छा, और जी जी जी, और मैं एक्चुअली सर से बात करने की कोशिश बात हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भाई एक बात डॉक्टर साहब करना चाहूंगा आपसे, आप खुद प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद एक काबिल व्यक्ति, डॉक्टर साहब 10 तारीख को डॉक्टर हेनीमैन साहब की जयंती आ रही है 10 अप्रैल को, हम सबको इसको धूमधाम से मनाना है। जी सर बिल्कुल, और वो तो हमारे भगवान है सर, उनको जिस 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 व्यक्ति ने मानवता का पाठ दिया, जिस व्यक्ति ने, और मैं आपसे यहाँ जहाँ बैठा बात कर रहा हूँ, ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्कूल है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बच्चे इसी स्कूल में है, 60,000 के करीब बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, और जी सर, और जो है मैं वहाँ इस माध्यम से आपके साथ बात कर रहा हूँ, और अच्छा है आप, हम और ये CMS कम्युनिटी रेडियो और तमाम लोग बेहतर स्वास्थ्य का संदेश सब तक पहुंचाएं, क्योंकि WHO कहता है हिंदुस्तान में 10 साल में आने वाली सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य होगी, और कोरोना कारण 10 साल तो छोड़िए वो 6 महीने में ही आ गई। बिल्कुल, और दिलखुश जी एक चीज हम पूछना चाहेंगे आपसे, हमारा जो रेडियो है ये आप सुन पा रहे हैं ऐप वगैरह से? सुन रहा हूं, सुन रहा। अच्छा आप सुन रहे हैं, अच्छा ऐप ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं? मैं सर का YouTube पर लाइव चैनल देख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐप के माध्यम से भी आप इसमें सुन सकते हैं, CMS-CRS करके एक ऐप है जिसमें आप हमारा रेडियो ये पूरा पूरा सुन पाते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। आप कुछ कहना भी चाहेंगे? मैं इतना खुश हूँ, इतना खुशी जाहिर हुआ मेरे दिल में, इतनी खुशी अच्छा लग रहा है की सर से बात हो गई आज, मतलब बहुत अच्छी लगा मुझे, और इनके वीडियो मैम बहुत ही सबसे बेस्ट वीडियो बनाते हैं,
हर डिजीज पे बढ़िया बढ़िया सिम्टम्स पे अच्छा यूनिक सिम्टम्स बताते हैं, बढ़िया लगता है और बहुत रिलीफ मिलता है पेशेंटों को। मैं देख कुछ भी मुझे समझ नहीं आता सर के वीडियो देख लेता हूँ जो मेडिसिन है वहाँ से करके। भगवान आपको आपको खुश रखे, आपका दिन मंगलमय हो, जीवन मंगलमय हो, आपको बहुत सारी खुशियाँ दे सर। मैं दिलकश जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। राजस्थान होली मुबारक, होली मुबारक आपको मैम, थैंक यू मुबारक, थैंक यू सो मच। बाकी श्रोता भी हमारे साथ जुड़े 411-3351 ये नंबर मिला करके हमारे साथ जुड़े। एक चीज और बता दे कि आप हमारा रेडियो ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं, कहीं पर भी आप दुनिया के भी किसी कोने में हो अगर आपके पास मोबाइल है तो आप रेडियो का ऐप CMS-CRS सुन करके। डॉक्टर उमंग खन्ना जी तो अभी आपके साथ हैं और उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो आप सुन भी सकते हैं। होली है आज भी, होलिका दहन, तो उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। नंबर फिर से बता दें 411-3351, जल्द से जल्द मिला लीजिए फ़ोन, सिर्फ 35 मिनट का समय शेष बचा है। होली के बारे में सर आपसे बात हो रही थी, अभी शुरुआत नहीं हो पाई जी, बताइए। हाँ, मैम इससे पहले दर्शक आए, मैं श्रोता है, मैं जल्दी से जी बिल्कुल बिल्कुल पहला सावधानी जो हमारे श्रोताओं को रखनी है और तमाम समाज को रखनी है, और सबसे अच्छा तरीका है देखिए, रंग का इन्फेक्शन होता है पोर्स से, जो आपके स्किन में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं कुदरती, इनसे जो केमिकल होता है वो परफोरेट करता है। इसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है जब आप होली खेलने जाएं तो उससे पहले 10 मिनट अपने चेहरे पे आइस क्यूब से मसाज कर लें, आइस क्यूब लगाएं। हाँ। अच्छा ये चीज जरूर ध्यान रखें। और एक और कॉलर जोड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो मैम, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है, आवाज से हम पहचान गए हैं कि तुलसा है। मुझे पता लगा ना कि सर आए हैं, डॉक्टर सर। हाँ डॉक्टर सर आए हैं, और आपने भी तो फरमाइश की थी ना कि डॉक्टर साहब को जल्द से जल्द बुलाए। अरे फरमाइश तो ठीक मैम, मैं तो हर दिन इंतजार करती रही। नमस्कार मैम, पहले मैं आपका वंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ कि इतने खूबसूरत शब्द कोई किसी के लिए बोल दे तो उसका पूरा दिन और पूरा जीवन सफल हो जाता है। धन्यवाद मैम। वाकई में सर, मैं हमेशा यही सोचती थी, मैम ने बोला था तभी से मैं इंतजार कर रही थी कि संडे आएंगे और संडे आएंगे कब आएंगे, और सर आपका नंबर नहीं लग रहा था तो और परेशान थी। कोई बताएं अभी आप हमको बताएं, हमारे जो भी आपको सलाह चाहिए वो आप बताएं, आपका स्वागत है जी। तुलसा जी सर, जो आपने सारी दवा जो बताई थी, जैसे कि बच्चों को मैंने बोला था कि उनकी नाक से पानी आता है और उनकी नाक भी बंद रही, और जो नकसीर के बारे में सारी समस्या बताई थी जी, वो सर मैंने सारी दवा मंगाई, मगर वो सर जो पानी बहुत, जब से दवा ली है तो उससे ज्यादा ही रसी टाइप में वो, जैसे मतलब एक क्या क्या दवा दे रहे हैं आप इस समय, दवा बताएं हम, दवा के नाम बताइए, दवा का नाम बताइए। तो है जो, एक सेकंड। हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी बताइए दवा का नाम, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम हाँ जानकारी थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाने पर। अभी अभी हम तुलसा जी को बिल्कुल ठीक इनका हल करते हैं, बिल्कुल दवा लेते जी सर। हाँ भाई क्या क्या दवा ले रहे हैं इस समय आप? सर वही सेलिसिया जो आपने बताई थी। हाँ। और सर न्यूट्रियम मैरम वैरम। हाँ। और सर वो एक बताई थी, एक हफ्ते वाली सेलिसिया हो गई, और सिग्नियम मैरम वैरम, और सर दो दवाएं और थी, एक काली बाइक्रोम थी। यस सर, काली बाइक्रोम, एक अमोनियम कार थी। यस सर, ये चार थी। एक दवा आप इसमें और जोड़ लीजिए, क्योंकि आप में सिम्टम एक पानी ऐसी नाक नोज से डिस्चार्ज का आ रहा है, एक दवा और जोड़ लीजिए, लेमना माइनर। हाँ, इसका मदर टिंचर, ये क्यू फॉर्म में आती है, इसकी 20 बूंद सुबह 20 बूंद शाम आधे कप पानी में डाल के आप लीजिए और फिर हमको बताइए आपको आराम मिला कि नहीं। एक हफ्ते बाद आप मैडम के माध्यम से हमको बता जी, आप हमें भी बता सकते हैं जी, बताइए। हाँ, मैं और अभी मेरे बहुत सवाल हैं मैम जी, और जो मेरे लिए भी दवा कुछ मैंने भी अपने लिए पूछा था तो वो भी मंगाई थी जी, तो जो आपके ऊपर मतलब धब्बा था उसके लिए भी मैंने मंगाई थी दवा, वो भी ले रही सर, उससे आराम तो नहीं है, मगर है जो कुछ दिन थोड़ा सा गायब हो गया और फिर हो गया, और फिर उसके अगल बगल भी थोड़े से दाने हुए, और सर एक और मैंने जो दांत के बारे में बोला था उससे भी सर आराम नहीं लगा। हाँ तो आप समस्या बताइए, हम फिर से आपको दवा बता रहे।
हाँ, जो आँख के मतलब आईब्रो है हाँ. उसके नीचे एक धब्बा था छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा था, मसूर से भी छोटा था जी. तो उसके लिए आपने एक दवा बताई थी जो मैंने मंगाई थी, यानी कि 6 दवाई थी वो सारी, है ना? हाँ. तो उसमें से मैंने ली है मगर, और एक कान के लिए बताई थी, तो कान के लिए तो हल्का मुझे अभी मालूम पड़ा है कि हल्का फुल्का है. कान में क्या दिक्कत थी आपको? कान में हल्का सा सुनाई नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई धीमे से बोलता है तो पता नहीं चलता. काली म्यूर, उसके लिए दवा हमने आपको काली म्यूर बताई है, और निश्चित रूप से ये पार्शियल हियरिंग लॉस की सबसे बढ़िया दवा है. इसको आप एक साथ देखिए, क्या एक बात समझिए, होम्योपैथी में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा वो तो आपने बताया था. तो काली म्यूर आपका ठीक है, फायदा कर रही है. दूसरी बात, जो आपने आँख के नीचे धब्बे की बताई थी, आईब्रो के नीचे जो आपके एक धब्बा है, तो देखिए धब्बा जाने में वक्त लगता है. दवा इसकी मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप देख लें, काली ब्रो में एक दवा हमने बताई होगी, एक दवा हमने है ना, एक दवा बताई होगी लाइकोपोडियम. जी जी, लाइकोपोडियम. और तीसरी दवा बताई होगी सीपिया. हाँ. है ना, ये ये तीन दवाएं अभी आप लंबे वक्त तक लेती रहें थोड़ा. हाँ सर, मैं बताए वो छोटा सा किया डब्बा, उसको थोड़ा सा जैसे हल्का सा उसे हम लोग खुरेच देते हैं तो खुशकी टाइप में हो जाती है और फिर हट जाता, फिर हो जाता है. हाँ, उसके लिए दवा नोट करिए हिपर सल्फर, क्योंकि क्या है ना, हमारे सामने फोटो नहीं है, जैसे फोटो या मरीज तो है नहीं, एक हीपर सल्फर 30 लीजिए. इससे एक बार में अंदर जो कुछ होगा बह जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, वो साफ हो जाएगा. हीपर सल्फर 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार. और अगर हो सके तो तुलसा आप डॉक्टर साहब के क्लिनिक जा करके एक बार दिखा भी लीजिए, एक बार दिखा लीजिए. हाँ. या मैम को फोटो भेज दीजिएगा. हाँ. जब आदरणीय श्री जगदीश गांधी जी इतना काम समाज के लिए कर रहे हैं, तो अगर गांधी जी से जुड़े लोग हैं, सीएमएस कम्युनिटी रेडियो से जुड़े लोग हैं, तो मेरा भी उनके लिए कुछ फर्ज है. तो आप मैडम को व्हाट्सएप कर दीजिएगा वो फोटो खींच कर, और मैम हमको फॉरवर्ड कर देंगी, और हम एक बार उसको देख के और थरोली आपको दवा बता देंगे, या फिर डॉक्टर साहब से भी मिल सकती हैं आप, है ना, जो आपको सही लगे. बिल्कुल. और सर मैं ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि मैंने करीब 1400-1500 की दवा खरीदी थी, वही लगभग 1200 से 1300 तक के बीच में दवा खरीदी थी सर, मगर मैं परेशान थी, एक दवाई यहाँ मिली एक वहाँ मिली, मगर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये सारी दवाई हमको एक जगह कहाँ मिलेंगी? इधर तो मिलती नहीं है, इस साइड आलमबाग के अलावा इस साइड नहीं मिलती है. अरे आपको क्या करना, सीधे आप हमारे क्लिनिक आ जाइए. क्लिनिक आ जाइए. हाँ, क्लिनिक आ जाइए, एक साथ सारी दवा ले लीजिए, एक बार हाल दिखा दीजिए. और वो भी ना चाहे तो आपने जो इतने रुपए की दवा खरीदी है, एक एक पैसा इंसान का बड़ी मेहनत का होता है, तो जो है आप हमें दवा, मैडम को दवा के नाम व्हाट्सएप, उसकी फोटो खींच के एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और अपना अपनी फोटो खींच के कर दीजिएगा जहाँ पे आपके वो धब्बा है. ठीक है. हाँ. मैं तो अभी यही सोचती हूँ सर जी, सारी दवा जो बता रहे हैं आप ऐसे मिलके वही. हाँ. आ जाते हैं. आप आ जाइएगा और सारी दवा ले आइएगा, हम उसमें से दवा छांट के आपको. हाँ. उसी में, क्योंकि दवा तो आप ले ही चुकी हैं, उसी में थोड़ा. हाँ. आपको गाइड कर देंगे. ठीक है ना तुलसा, अगर हो सके तो कब जाएंगे थोड़ा सा आप बता दीजिए. अब परसों कल के बाद. हाँ, होली मनाइए अभी पहले तो, और होली परसों खुलेगा, परसों खुलेगा, होली की बात भी चल रही. नहीं, 4-5 दिन तक तो नहीं आ सकती, और मैं मैम से नंबर लेके और आपसे बात करके. ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच. और होली अच्छे से मनाइए. मैं सभी को जैसे ज्ञानमती जी हैं और अपने प्यारे से डॉक्टर सर हैं और अपनी प्यारी श्री शोमा मैम हैं और प्यारे से महेंद्र भैया और मालती और सभी लोग जितने सुन रहे हैं उनको सबको तुलसा ढेर सारा प्यार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं. बहुत सारी शुभकामनाएं. थैंक यू सो मच तुलसा, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए. बाकी श्रोता भी जुड़िए हमारे साथ, सिर्फ 25 मिनट का समय शेष बचा है. 411-3351 ये नंबर मिला करके डॉक्टर साहब ने बताया था कि होली में रंग लगाने से पहले अपने चेहरे पर आइस क्यूब लगाएं. लेकिन एक श्रोता जुड़ रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं. हेलो. हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका. भी स्वागत है मैम. जय भोलेनाथ. जय भोलेनाथ सुनील जी. हैप्पी होली आपको और डॉक्टर साहब को. धन्यवाद भाई, धन्यवाद. आपका पूरा जीवन मंगलमय हो जी सुनील जी. अरे सर, सर आपका भी हो और हमारी तरफ से पूरी टीम का, सभी का और सभी जन जीवन का जो है जीवन मंगलमय हो. बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी. आप बहुत अच्छे से होली मनाए. कुछ पूछना चाहते हैं सर आप? हाँ जी बताइए.
हम पूछना ये चाहते हैं, ये प्रश्न थोड़ा हटके है और इसमें हम ये जो सर अंधविश्वास एक बीमारी है जी, इसका इलाज कैसे हो और ये तो क्यों है, इतनी शिक्षा इतनी वो होने के बावजूद भी इतना ये इसको हम बीमारी ही कहें या कुछ और सर? मैं सुनील भाई आपकी इस बात का जवाब दूंगा और पूरा दूंगा। देखिए मैं अंधविश्वास क्या हो गया ना, अंधविश्वास आज का जो समाज हो गया है, इसकी जो अपेक्षा है एक दूसरे से, इसी को मैं अंधविश्वास कहूंगा। होता क्या, जो हताशा में आदमी कुछ सवालों के जवाब तलाशता है और जब हताशा में उसको जवाब नहीं मिल पाते हैं अपनी बातों के, तो वो अंधविश्वास की तरफ चला जाता है। तो अंधविश्वास कहीं ना कहीं एक अपेक्षा है, जो आपकी भावना, अपेक्षा की भावना जब परिवर्तित होती है तो वह अंधविश्वास में चली जाती है, सुपरस्टिशन में चली जाती है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं बड़ी रोचक बात, अंधविश्वास अगर किसी मरीज में बहुत ज्यादा है तो उसकी भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। अच्छा, वाह। और दवा का नाम बहुत ही कॉमन दवा है, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका, जिसको अंधविश्वास ज्यादा होता हो, चीजों का टुटका बहुत ज्यादा करता हो, इस तरह के सुपरस्टिशियस काम बहुत ज्यादा करता हो, वो काले जादू वाली लाइन का हो, तो उसको जो है आप नक्स वोमिका 30 एक महीने तक खिला दीजिए, दो दो बूंद सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, उसका वो अंधविश्वास की भावना खत्म होने लगेगी। और उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की कोशिश करिए। भाई अंधविश्वास हम लोग कैसे करते हैं, अरे नींबू काटेंगे तो हमारी लाटरी लग जाएगी, अरे अगर वो बिल्ली लांग गई तो जो है वो हम सुरक्षित घर नहीं पहुंच पाएंगे, एक तरह का डर है बिल्कुल। जो डर या फियर है, हमको फियर एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर निकलना है, अंधविश्वास अपने आप खत्म हो जाएगा। और मैं बता दूं सतीश भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है, आज के इस मशीनी युग में अंधविश्वास का काम भी नहीं है, काम भी नहीं है। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके बारे में आप सोच रहे हो और कर रहे हो, यानी अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो, और जैसे हम लोग कर रहे हैं स्वास्थ्य की चर्चा हो जाए तो जी, तो एक मानसिक बीमारी ही है ये अंधविश्वास का। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। सुनील जी बताइए, ये प्रत्यक्ष देखा सर, तो इसीलिए हमारे आज कुछ ख्याल नहीं, आप नहीं, ये जो है 90% जनता की परेशानी है, मतलब आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया जी। और इसकी दवा है नक्स वोमिका, अंधविश्वास या सुपरस्टिशन की दवा है नक्स वोमिका, और दूसरी दवा है इग्निशिया अमारा। हाँ, 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार दीजिए, और अपने अपने सहपाठी अपने साथी के मन से अंधविश्वास का ये जो परेशानी है इसको हटाइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छे से होली आप मनाइए, हैप्पी होली। थैंक यू। और एक और कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है, मालती है ना जी मैम, कैसी है? डॉक्टर सर को भी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बड़ी खुशी की बात है कि ये सीएमएस कम्युनिटी रेडियो अपने श्रोताओं को याद रखते हैं और श्रोता सीएमएस कम्युनिटी रेडियो को याद रखते हैं, बहुत अच्छा जी। बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके लिए धन्यवाद सर। और हैप्पी होली मालती। हैप्पी होली मैम आपको भी, और डॉक्टर सर को, राज सर को, वनिता मैम को, रविंद्र सर को जी, और डॉक्टर जगदीश गांधी को, बिल्कुल बिल्कुल, और डॉक्टर भारतीय गांधी को भी बिल्कुल। कुछ पूछना भी चाहती हैं, कोई समस्या? जी सर, जैसे अभी सर ने बताया था जी, क्या जानकारी चाहते थे, किस चीज पे? जैसे शरीर में ऐठन होने लगती है। अच्छा, शरीर में ऐठन। शरीर में ऐठन के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप पानी बहुत पिए, क्योंकि ऐठन का बहुत बड़ा रीजन है शरीर में पानी की कमी होना, जब सोडियम पोटेशियम आयंस का मसल्स में ट्रांसफर नहीं हो पाता तो ऐठन होती है। और इसकी होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवा है क्यूपरम मिटैलिकम, क्यूपरम मेट 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में क्रैम्प्स नहीं आएंगे, ऐसी पूरी संभावना जी। जी सर, ठीक है। हेलो सर, हाँ जी बताइए सर, सुन रहे हैं। जैसे कपड़े सिलने वाली मशीन चलाओ तो सर पैरों में दर्द, वो सूजन क्यों आ जाती है? पैरों में सूजन 2 कारणों से आती है, एक तो आपको ग्रेविटेशनल एडेमा होता है, यानी कि ग्रेविटेशन जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हीम पार्ट आयरन का पार्ट होता है, इसको नीचे की तरफ एग्जर्ट करता है। दूसरा, जब खून की कमी किसी मरीज में होती है तो भी उसके सूजन आ जाती है। और इसका उपाय ये है कि आप जैसे थोड़ी देर मशीन चलाइए, फिर पैर को ऊपर कर लीजिए,
और मैं महिलाओं को कहूंगा कि आप लोग पैर वाली मशीन मत चलाइए, मशीन में मोटर जरूर लगा लीजिए, क्योंकि हमने देखा है एक उम्र के बाद जो लोग मशीन ज्यादा चलाते हैं उनकी पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो मैं, क्योंकि आप लोग समाज का एक बहुत जिम्मेदार और बहुत आवश्यक अंग है, तो आप लोगों अगर सही रहेंगी, परिवार और समाज की महिलाएं सुरक्षित और जो है स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, तो हम सब लोग जो है एक सुख का जीवन जी पाएंगे। जी। तो मशीन, जी सर धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारियां देने के लिए। थैंक यू सो मच मालती, हैप्पी होली। हाँ बताइए, कहिए। बहन भैया को हैप्पी होली, और तुलसा दीदी को जी, किरण को, दीप माला को। अरे वाह, आपको भी सुनने वाले हैं हमारे सभी को। आपको भी थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और सिर्फ 20 मिनट का समय शेष बचा है, 411-3351 ये नंबर मिला करके आप डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं भी दे सकते हैं, और होली के संबंध में समस्याएं जो अगर आ रही होंगी तो पूछ भी सकते हैं। सर चेहरे पर आइस क्यूब लगाएं, उसके बाद हाँ पहली बात हो गई, चेहरे पे आइस क्यूब लगाएं, उससे आपके जो रोम छिद्र हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होके बंद हो जाएंगे, तो रंग अंदर जा ही नहीं पाएगा। अच्छा, पहले जो तेल वगैरह लगाते थे वो नहीं, लेकिन कॉलर जोड़े पहले उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अपने नाम बताइए। अंजू मेरे ख्याल से है ना? जी मैम। हेलो जी, अंजू जी हैप्पी होली। मैम उमंग सर को मेरी तरफ से हैप्पी होली और वेरी गुड मॉर्निंग, और मैम आपकी सभी टीम को भी गुड मॉर्निंग, हमारे सभी फौजी भाई गुड मॉर्निंग। मैम आज सर तो बहुत ही अच्छा मैम बता रहे हैं, मतलब मैम पूछने का कोई ऑप्शन नहीं बनता है, सारी चीजें डिटेल तो सर विस्तार के साथ ही बता रहे हैं जी। लेकिन अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं सर। सिर्फ एक मैम सवाल पूछिए, पूछिए पूछिए। हेलो, तो मैम ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? क्या फिर से बताइए, फिर से बताइए प्रॉब्लम। मैम जिनकी आंखों में व्हाइट कलर का जो मोतियाबिंद हो जाता है। हाँ मैम नमस्कार, पहले तो होली की शुभकामनाएं। देखिए मोतियाबिंद के केस में, कैटरेक्ट के केस में ऑपरेशन ही विकल्प है, लेकिन किसी कारण से आप ऑपरेशन को थोड़ा टालना चाहते हैं, थोड़ा वक्त आपको चाहिए बीच में, तो एक होम्योपैथी में ड्रॉप आती है श्वाबे की, आती बहुत कंपनियों की, लेकिन श्वाबे की आप जर्मन सिनेरेरिया मैरिटिमा ले लीजिए। ये विदाउट एल्कोहल लीजिएगा, विद एल्कोहल आँखों में बहुत लगती वो ना लीजिएगा, श्वाबे की सिनेरेरिया मैरिटिमा ले लीजिए, और इसकी दो दो बूंद दिन में 3 बार आप अपनी आइस में डालते रहिए जब तक आप ऑपरेट नहीं करा रहे हैं, तो ये काफ़ी आपकी रिस्क को कम कर देगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आँख क्योंकि ऐसी नियामत है जिससे मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट अगर कोई है तो आँख है, क्योंकि आँख से आप इस संसार को देखते हैं, तो आँख आई सर्जन जो आपका कहे आप उसी लाइन पे काम करिए। लेकिन अगर थोड़ा रिलीफ की बात है तो निश्चित रूप से सिनेरेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप अग्रणी दवा है होम्योपैथी में इस मर्ज की। थैंक यू सो मच। और हेलो जी मैम, आपको आपके समस्या का समाधान मिला? जी मैम। थैंक यू, हैप्पी होली अंजू। ओके मैम, आप सभी हैप्पी होली मैम। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। एक कॉलर और जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर ले। हेलो हेलो, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हाँ जी, मेरा नाम वंदना शर्मा है, मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रही हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न कीजिए। आप लोगों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी जी, प्रश्न कीजिए। मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था, मुझे हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। हाँ मैम नमस्कार, पहले तो आप हम सबके साथ जुड़े रहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और हाइपर पिगमेंटेशन मैम बहुत कारगर होम्योपैथी में दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, वो रिकॉर्डेड है, प्रोग्राम में रिकॉर्डेड है, आप देख लेंगे रिवर्स करके। पहली दवा जो है वह है सीपिया, सीपिया 30 पावर लिखी थी। दरअसल मुझे आपको बताना है कि मुझे जो प्रॉब्लम है मेरे पैरों में, हाथों में और पीछे बैक में सब दूर है, और पहले पैरों पर थी, धीरे धीरे अब फेस पर आने लगी, और चेहरे पे और सिर के ऊपर फोरहेड पे बहुत ज्यादा है। सब ठीक हो जाएगी मैम, ये महिलाओं की और समाज में सबकी बहुत बड़ी दिक्कत है आजकल, और होम्योपैथी काम करती पूरे शरीर पे, तो आप सीपीआर 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार, लाइकोपोडियम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार, और कॉलोफाइलम, हाँ लाइकोपोडियम और कॉलोफाइलम 30 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार,
30 लाइकोफोलियम सीबीए और सीबीए थर्टिस्टिक और कॉलोफाइलम है, कॉलोफाइलम हाँ 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार ले लें, और अगर आपका पेट सही नहीं रहता है तो ये स्पॉट्स आ रहे तो चेलिडोनियम का मदर टिंचर 10 बूंद सुबह शाम ले लें। इसको आप कम से कम 3 महीने तक करें, आप देखेंगे आपका हाइपर पिगमेंटेशन फेड आउट होने लगेगा और आपके स्किन थोड़ी फ्लॉलेस और बेहतर हो जाएगी। जी थैंक यू कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी होली, थैंक यू सो मच। अभी भी सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बाकी है, 411-3351 ये नंबर मिला करके आप डॉक्टर रोमन खन्ना जी से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि रंग लगाने से पहले जो आइस क्यूब है वो लगा ले, पहले जो ये बताइए पहले कितने तरीके की क्रीम या जो सरसों का तेल लगाया जाता था चेहरे पर, क्या वो नहीं लगाए? नहीं, वो लगाएं, वो अभी आगे पार्ट अच्छा, आता अच्छा, है। पहली बात है कि आप जो है आइस क्यूब लगा के पोर बंद कर ले, मतलब बात ये जैसे आपके रिश्तेदार नीचे खड़े हैं गेट पर, हाँ। वो बहुत सारा रंग और गुलाल लेकर आए हैं और ये सोच के आए कि आपको बिल्कुल लाल लीला पीला करके जाना है, तो ये आइस क्यूब आपके फेस को बचाने में बहुत मदद करेगा। दूसरी बात जो मैम आपने कही बहुत अच्छी बात कही, और ये फैक्ट है, आज भी फैक्ट है, पुराना फैक्ट है, आज भी फैक्ट है कि मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल या तिल का तेल, तिल का तेल मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, स्किन के लिए सबसे अच्छा तेल तिल का तेल होता है, क्योंकि वात पित्त और कफ तीनों दोषों को दूर करता है स्किन के जी। तो आप तिल का तेल, और अगर तिल का तेल अवेलेबल नहीं तो सरसों का तेल अपने चेहरे पे लगा लें। नारियल का तेल मैं अवॉइड करने को कहूंगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता अच्छा, है स्किन पे एक लेयर हाँ, नहीं बना हाँ, पाता है। अच्छा, सरसों का तेल जब लगाते हैं ना तो आंखों में बहुत मतलब जलता है, थोड़ा सा आंखों के हिस्से को छोड़ के यहाँ पे कोई और सॉफ्ट ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल या कुछ लगा लें जी, वो लगा लें। ये मॉइस्चराइजेशन का पार्ट हो गया। तीसरी बात होंठों की आती है, क्योंकि ये बहुत डेलिकेट म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इस पे आप कोई पेट्रोलियम जेली लगा लें, पेट्रोलियम जेली। चौथी बात आती है साथियों, अब देखिए होली आ गई लेकिन इतनी गर्मी और धूप है तो आपको सन टैन से बचना है, तो कोई सन स्क्रीन भी आप लगा लें। भाई होली तो छत पे खेली जाएगी, आपके ड्रॉइंग रूम में तो खेली नहीं जाएगी, और छत पे होती है धूप, तो आपका ध्यान नहीं जाता होगा इस तरफ, लेकिन 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा जो आप सड़क आप छत पर या सड़क पर हैं तो आपको सनस्क्रीन जरूर लगा देनी चाहिए। ये सब सारी चीजें लगाने के बाद सनस्क्रीन कैसे? हाँ, सनस्क्रीन ये लगा लें और सनस्क्रीन भी ऊपर से लगा लें। अच्छा। देखिए क्या है, अंदर स्किन सुरक्षित रहनी चाहिए जी जी, और इसको आप करें और आप होली खेलें सुरक्षित तौर पे खेलें, कोरोना रूपी राक्षस को ध्यान में रखें, बच्चों को किसी भी कार्यक्रम में या बुजुर्गों को किसी भी कार्यक्रम में इस वक्त इन्वॉल्व ना करें जी, बिल्कुल बाहर निकलना अवॉइड करें, गैदरिंग से अवॉइड करें, और जब होली हो जाए उसके बाद अब जाहिर सी बात है आप रंग गए, रंगने के बाद साथियों जो आपको उकटन से उसकी सफाई करें, हार्ड साबुन से सफाई ना करें, क्योंकि आपकी स्किन जब तक वियर और टियर हो चुकी होती है वहां बहुत क्रैक्स आ चुके होते हैं, आपको नहीं दिखता लेकिन आपकी स्किन छिल चुकी होती है उस कलर से जी, बिल्कुल। तो आप जो है वो कोई उकटन जिसमें कि बेसन शहद अपना अच्छा। सबसे अच्छा ग्राम फ्लोर बेसन को कहते हैं, और शहद और हल्दी, ये तीन चीजें मिला के आप चेहरे पे लगा लें और चेहरे को हल्के हल्के मसाज, उसमें तेल भी डालें, तेल भी डाल लें बिल्कुल अच्छा। हाँ बिल्कुल तेल डाल लें तो बड़ा चिकना, ओलिव ऑयल यहाँ पे आप ओलिव ऑयल का करें हाँ। क्योंकि ओलिव ऑयल आपके जो आफ्टर पहले सरसों का तेल, देखिए कुदरत ने हर 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 परेशानी का इलाज दिया है, और होली खेलने के बाद ओलिव ऑयल से आप पूरे चेहरे को धीरे धीरे मसाज करें, आपका रंग छूटने लगेगा, परेशान ना हो, एक आध दिन अगर रंग धीरे धीरे कम हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोविड का टाइम है, आपको घर ही पे रहना है, तो धीरे धीरे करके अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाए बिना आप उसको साफ करें। अच्छा, एक चीज़ और है, जिस तरीके से अभी कोविड का जो सेकेंड स्ट्रेन है वो भी आ चुका है, ऐसे में लोगों में डर भी हो गया होगा, ज़रा सा भी किसी के सामने खांसने से भी डरेंगे, ज़रा सा भी किसी को कहने से भी डरेंगे कि अभी मुझे थोड़ा सा ये ऐसा कुछ हल्का लग रहा है या कुछ भी ऐसा कुछ मतलब भारीपन लग रहा है, तो ऐसा जो चीज़ें हैं क्योंकि इस वक्त वायरल भी बहुत फैल रहा है और भाई जाहिर सी बात है कोविड भी है, तो ऐसे में लोग क्या करें, कैसे समझें कि ये नॉर्मल वायरल है? बहुत अच्छा सवाल उठा है, क्योंकि समाज में एक जो है वो भ्रांतियाँ फैल रही हैं जी, और कहीं ना कहीं चीज़ों को फैलना इसलिए भी चाहिए कि कोरोना बहुत तेज फैल रहा है। मैं अपनी बातों में बार बार कोविड-19 को ला रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय। बिल्कुल। तो
आपको जो है देखिए कोई खांसे तो आप परेशान ना होइए, इस समय वेदर चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक मर्ज भी आपको बता दें, बहुत लोगों को आजकल खांसी आ रही, सूखी खांसी आती है, रात में लेटने पे बढ़ती है, वो स्नोफीलिया होता है। जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो बहुत लोगों के डीएलसी में, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में स्नोफिल बढ़ने लगते हैं, तो ये खांसी आती है। अच्छा। तो पहले तो इसकी दवा आप नोट कर लें, हिपरसल 30, जिन भी हमारे भाई बहनों माताओं को खांसी आ रही है तो हिपरसल 30, बेलेडोना इकोनाइट, बेलेडोना 200 और इकोनाइट 30, या तीन दवाएं आप दिन में तीन बार लेके अपनी खांसी को कम कर सकते हैं। और जो कोविड-19 और खांसी का संबंध है, कोविड-19 में आपको गले में कसाव और गहरी सांस ना ले पाना, अच्छा, फीवर के साथ होगा, फीवर तो रहता है। हाँ, सिंपल खांसी को आप सावधानी जरूर बरतें, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उसकी बीमारी का एहसास ना दिलाएं जब तक वो श्योर ना हो। बस उसको ये सलाह जरूर दें कि तुरंत जाइए, अपना आप पीसीआर टेस्ट कराइए, सारे शुल्क सारे केंद्रों पे, सामुदायिक केंद्रों पे, अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क है। आप जाएंगे, 5 मिनट के अंदर आपकी कोविड की जांच होगी, वो कार्ड में आपको दिखा देंगे, 1 लाइन 2 लाइन, और आपको निगेटिव होने का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो आप जाँच कराने से पीछे ना हटें, और ये कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से भी पीछे ना हटें, ये इस समय की मांग है। जी, कुछ लोगों को ना जैसे वैक्सीन लगाने के बाद ना जैसे हो रहे हैं, और उसमें न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि उन्होंने वैक्सीन की डोज लगाई और इनको देखिए कोरोना हो गया, तो वो थोड़ा सा भ्रांति और जो फेक, ये बहुत गलत बात हो रही है। देखिए, ये वो वैक्सीन है, मैं यहाँ पे सरकारी प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक अच्छी बात है तो उसको बोलना जरूर चाहूँगा। देखिए, एक ऐसा वैक्सीन जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, एक ऐसा वैक्सीन जो सारे देशों में लग रहा है, एक ऐसा वैक्सीन जो हर देश भारत से मांग रहा है, एक ऐसा वैक्सीन जो WHO ने ओके कर दिया है, एक ऐसा वैक्सीन जो विकसित देशों में इस्तेमाल हो रहा है, इंग्लैंड अमेरिका जैसे विकसित देश भी हम लोग की सेवाएं ले रहे हैं। और अगर हम चिराग तले अंधेरा करें, एक चिराग के नीचे अंधेरा करें, हम उस पर ये निकालते रहे ना नुकुस, भाई मोदी जी ने लगवा लिया, अरविंद केजरीवाल साहब ने लगवा लिया, राजनाथ सिंह जी ने लगा लिया, तमाम लोगों ने लगा लिया, हर आदमी ने इसको, डॉक्टर दिनेश शर्मा हम लोग के DCM साहब लगवा लिए सब, तो ऐसी चीज गलत नहीं हो सकती। अब कोई भी मेडिसिन परफेक्ट नहीं होती है, 1 लाख में अगर एक आदमी को कोई चीज हो रही है तो उसको आप नगण्य मानिए कोई भी दवा। और कोविशील्ड, अभी सही बात यह कि ये तो अंडर डेवलपमेंट है, ये प्रोसेस तो अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन जो भी उम्मीद हमारे पास है हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए। बिल्कुल, दुनिया सराह रही, दुनिया मांग रही है, और हम पता लगा उस चीज का लाभ नहीं ले रहे जो निःशुल्क आप सामुदायिक केंद्र में जाएं। अरे थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक डेविल्स एडवोकेट बिल्कुल बताइए, एक गलत बात भी बोल दूंगा कि अरे कोई अगर जैसे अभी सरकार यूं नहीं लगा रही है, किसी अपना साथी जो डॉक्टर हो, जो कोई फार्मासिस्ट हो, उसके साथ चले जाइए, थोड़ा सा स्टाफ से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भाई हम इस फार्मासिस्ट के साथ काम करते हैं, डॉक्टर के साथ काम करते हैं, इसके घर में आते जाते हैं, इसके घर में रहते हैं, सरकार आपको तुरंत लगा देगी। अच्छा, सुरक्षा, ये जो स्वास्थ्य कर्मी है आपके लिए हमेशा, ये फर्स्ट हेल्थ वर्कर्स जो हैं, यह आपके साथ हमेशा मौजूद हैं। थोड़ी सी इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जो कुछ भी है उसके समय के साथ चलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। और ये गॉसिप और खाली टाइम पास करने वाली बात, बिल्कुल, आपको जब जानकारी, अभी आपको जितने लोग ये कह रहे हैं मैडम कि ये वैक्सीन काम कर रही नहीं, उनको भी एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं ये नहीं मालूम होगा। लेकिन इस समाज की एक बहुत बड़ी बुराई ये हो गई है, किसी की किसी भी बात के बारे में राय बना लेते हैं। बालीजी हमारे RK सिंह साहब थोड़े सख्त है, तो कुछ लोग राय बना लेंगे। आप इनके कोमल हृदय को तो जानिए, जो हमारे जैसे लोगों को, हमारे जैसे गरीब आदमी को इतने बड़े मंच पे ला देते। तो जो है, सख्ती तो काम का प्रोफेशन है, वरना फिर हर आदमी लाइन लगाए रहे तो आदमी काम। तो आप जो है बात के मर्म को समझिए। मैं इस समाज से अपील करूंगा कि किसी के बारे में राय बहुत जल्दी ना बनाए, उसको देखें, पहचाने, समझे, फिर उसके बारे में राय बनाए। बिल्कुल। अच्छा, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं दोस्तों, अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं 411-3351, क्योंकि मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं। अब इम्यूनिटी, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अपने अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए सर कुछ चीजें जरूर बता दीजिए। सबसे बेहतर सवाल मैम, सबसे आखिर और सबसे मेन टाइम पे लाई है, बहुत बढ़िया मैम। इम्यूनिटी बढ़ाना, अंग्रेजों ने इस देश को बहुत नुकसान करा, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी दे गए। उसमें से एक कहावत है जिसका नाम है प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। एक कॉलर जोड़े, उनसे बात कर ले। जी, हेलो। हाँ मैडम, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताइए।
मैडम, मैं कमलेश शर्मा उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। कमलेश जी स्वागत है, हैप्पी होली जी, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ मैडम, मेरा प्रश्न है, मेरे सिर में लाइपोमा जो ये चर्बी वाली गांठ होती है जी, वो हो गया ये। हाँ कमलेश भाई, इसका 12 साल से है और अभी क्या बालों में कटिंग भी हो रखी है, तो सोच रहे हैं इसकी सर्जरी कराएं या फिर कैसे उपचार करें। हाँ कमलेश भाई नमस्कार, डॉक्टर उमंग खन्ना बोल रहे हैं। भाई देखिए, पहली बात यह है कि सर्जरी आखिरी विकल्प होना चाहिए, प्रयास करा जाए सर्जरी ना करानी पड़े। अब जो लाइपोमा का विषय आता है, इसकी 3 दवाएं मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली दवा है साइलिसिया। अच्छा, साइलिसिया 30 पावन में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। दूसरी दवा है फाइटोलक्का, फाइटोलक्का डिकेंड्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और तीसरी दवा है एंटीम क्रूड, एंटीम क्रूड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार। यह तीन दवाएं आप लीजिए और कोनियम 1 mg वीकली ले लीजिए। कोनियम 1 mg की एक खुराक हर हफ्ते ले लीजिए, उस दिन बाकी दवा मत लीजिए। आप बाकी 6 दिन ये दवाएं लीजिए जो हमने बताई हैं। और एक बायोकेमिक दवा आती कैल्केरिया फ्लोर 6x, इसकी 4 गोली सुबह 4 शाम गुनगुने पानी से ले लीजिए। इसको आप 3 महीने का समय दीजिए, 3 महीने करिए और फिर हमसे आप संपर्क में आइए। मैं उम्मीद करता हूँ इस गांठ में कमी या आएगी या चली जाएगी। जी हाँ, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली देखता हूँ उसको जब भी आता है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद आप दोनों को। थैंक यू, और बिल्कुल, और कमलेश जी जल्दी से जल्दी आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाइए। हैप्पी होली, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। मैं बताऊंगा, देखिए जो हमारे और दर्शक भी देख रहे हैं, आप लखनऊ की तहजीब और लखनऊ की बातचीत पे भी गौर कीजिएगा। जो ये मैं इस यहाँ पहले मैं बता पाए क्योंकि लाखों लोग मैम देख रहे हैं आपका ये प्रोग्राम, बिल्कुल साथ में लाइव 10 लाख लोगों को जा रहा है। तो ये CMS वर्ल्ड गिनीस बुक रिकॉर्ड होल्डर स्कूल है जिसमें 60,000 बच्चे पढ़ते हैं। और लॉकडाउन की स्थिति में मेरे बच्चे भी इस शहर के लखनऊ के बहुत बड़े स्कूल में कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। आपका जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसकी बहुत तारीफ है, आप लोगों ने बहुत फ्लॉलेसली बच्चों तक पढ़ाई को पहुँचाया है। तो आपको मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूं आदरणीय डॉक्टर जगदीश गांधी जी को, तमाम शासन प्रशासन को, कि लॉकडाउन के वक्त भी आपने जो ऑनलाइन सर्विस की क्वालिटी अपने बच्चों को दी है, वो मेरे बच्चों का बहुत बड़ा स्कूल लखनऊ का वो मैच नहीं कर पाया। और जब मेरे बच्चों का स्कूल मैच नहीं कर पाया तो मैं समझता हूँ कोई स्कूल मैच नहीं कर पाया होगा। थैंक यू सर, 3 मिनट बाकी है श्रोताओं, सर प्लीज आप मुझे इम्यूनिटी के टिप्स जरूर बता दीजिए। इम्यूनिटी के लिए अब हम लोग बहुत जल्दी रस थ्रू करते हैं। देखिए इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है, सबसे पहले होम्योपैथिक दवा बता दूं, इसकी दवा यूफ्रेसिया है। यूफ्रेसिया 200 पावर में 2-2 बूंद 3 बार आप 1 महीना तक लेते रहिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी। दूसरी जो गोल्डन रेमेडी है वो है एचिनेशिया ऑगस्टिफोलिया, इसको एचिनेशिया हाँ, थोड़ी सी महंगी है साथियों, ये 100 ग्राम की टेबलेट 30 ग्राम की टेबलेट आपको 290 रुपए की मिलेंगी, लेकिन जान है तो जहान है। इसकी एक टेबलेट सुबह एक शाम, बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर से जब तक आप COVID-19 का नाम सुने जब तक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देते रहें। इसके अलावा जाहिर सी बात इस समय क्योंकि COVID-19 सबसे बड़े मर्जों में से एक है जो है और तेजी से अपने पैर पसार रहा है, तो इससे बचाव की दवा आर्सेनिक एल्बम 30 और इन्फ्लुएंजिनम 200 है। इसको आप हर हफ्ते एक खुराक पूरे परिवार को दे दिया करें, हर हफ्ते। और इसके बाद साथियों एक हम आपको गोल्डन काढ़ा बताना चाहेंगे क्योंकि काढ़ा बहुत जरूरी है, यह काढ़ा दूध में बनेगा। आप दूध लीजिए, दूध में आप हल्दी पाउडर डाल लीजिए, आप अदरक ग्रेट करके डाल लीजिए, अदरक यानी जिंजर, आप सिनेमन यानी दालचीनी चुटकी भर डाल लीजिए, आप शहद साथियों 181 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बॉडी के जो चाहिए होते हैं वो शहद में होते हैं, 20 में से 18 अमीनो एसिड शहद में होते हैं। और आपको जो आधा लीटर शहद मिलता है 0.495 लीटर शहद, ये 60,000 मधुमक्खियां 2 लाख पेड़ों का जो रस निकालती हैं और उसको 5 प्रोसेस से होके जब वो उसको गुजारती हैं तो आपको आधा लीटर से कम शहद मिलता है। तो वो आप शहद का इस्तेमाल करें, आपको जो है वो, और साथ में
ये शहद मिला के इन चीजों को आप शहद को बाद में डालें, बाकी चीजों को मिल्क को और बॉईल कर लें और रात में सोने से पहले ये मिल्क पी लें, ये काढ़े के रूप में काम करेगा और आपको लाभ देगा। और जब ठंडा हो जाए तो इसमें शहद भी डाल लें और फिर शहद और दूध और ये मिला के सब पी लें, आपकी इम्यूनिटी मजबूत। वाह बहुत खूब, और फिर से आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक सौगात जो आपने हमारे साथ बांटी, हमारे श्रोताओं को दी, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं सर जी। और चलते चलते बस होली की शुभकामनाएं आप हमारे श्रोताओं को भी दे दें। मैं दर्शकों से, श्रोताओं से माफी चाहूंगा कि मैं अपनी बात बताने में आपसे, अपने महेंद्र भाई, अंजू मैम, सब लोग जुड़े, मैं अपनी आपको होली की शुभकामनाएं नहीं दे पाया तल्लीनता से। तब सारे श्रोताओं को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार खुशियां लेकर आता है और हमको इन खुशियों को सजोना है। मैं फिर कहूंगा इस बार की होली अन्य होलियों से अलग है। इस बार की होली में आपको घर में रहना है, इस बार की होली में आपको गैदरिंग में नहीं जाना है और अपना खूब खाना पीना है, परिवार के बीच मौज मस्ती करनी है, बच्चों के साथ समय बिताना है और जो है पिक्चर भी देखनी है, मूवी भी देखनी है और जो है अपने जो जो अपनी पूजा पाठ करके अपने को जो है कंसाइज करना है और घर में रह के सबको सुरक्षित रखना है, खुद को भी और सबको। होली की अनंत शुभकामनाएं पूरा सीएमएस परिवार को जो इस प्रसारण को करा रहा है, पूरे उस सीएमएस परिवार को जो इस प्रसारण को सुन रहा है और पूरे इस समाज को जो हम लोगों को ऐसा कीमती वक्त दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। श्रोताओं आपको भी बहुत बहुत होली मुबारक और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।